पेट्रोल डीजल की महंगाई से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, ये है बड़ी वजह। पेट्रोल डीजल प्राइस, ओपेक और ओपेक प्लस देशों ने तेल की सप्लाई में बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है। इसके बाद कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी बड़ी वजह है पेट्रोलियम निर्यातक देशों से संगठन और इसके सहयोगी देशों का ग्रुप ओपीईसी प्लस का एक फैसला। दरअसल ओपेक और ओपेक प्लस ने तेल की सप्लाई में बढ़ोतरी की संभावना पर विराम लगा दिया है। इसके बाद कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड के दाम में पिछले सत्र में 4.5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन क्रूड ऑयल में तेजी का सिलसिला जारी रहा। ब्रेंट क्रूड का भाव $67 के पार। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के मई डिलीवरी वायदा में शुक्रवार को बीते सत्र में 0.99% की तेजी के साथ $67.40 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। न्यूयॉर्क मार्केट टाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को अप्रैल अनुबंध में बीते सत्र में 0.94% की तेजी के साथ $64.43 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। अभी और बढ़ेंगे कच्चे तेल के दाम। एंजल ब्रोकिंग के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा, ओपेक प्लस द्वारा तेल की सप्लाई नहीं बढ़ने पर सहमति बनने के बाद क्रूड में जोरदार तेजी आई है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी से तेल की खपत मांग बढ़ने की संभावना है। ओपेक और इसके सहयोगी यानी ओपेक प्लस की गुरुवार को हुई बैठक में ओपेक का मुखिया सऊदी अरब रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती को बरकरार रखने पर कायम रहा, जबकि रूस और कजाकिस्तान में मामूली बढ़ोतरी का विकल्प चुना। गुप्ता ने कहा कि ब्रेंट का भाव जल्द ही $70 प्रति बैरल तक जा सकता है, जबकि WTI में $67 प्रति बैरल का लेवल देखा जा सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।